देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरह से आम जन बस न मिलने से परेशान है। आपको बता दें कि 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, यानी कि तीसरे चरण की चुनौती बड़ी है क्योंकि ये पहले दोनों चरण के मुकाबले चुनाव ज्यादा जिलों से है। इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। मुरादाबाद रोडवेज मंडल से 103 बसें चुनाव में लगी हैं, जिसमें मुरादाबाद डिपो से 48 बसें और वहीं पीतल नगरी डिपो से 55 बस गई हैं। इसके चलते रोडवेज बस स्टॉप पर बसें समय पर ना मिलने जिससे यात्री परेशान दिखे। कई कई घंटों तक यात्रियों को रोडवेज पर बसों का इंतजार करना पड़ा, जिसके कारण रोडवेज पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। साथ ही महिलाओं और बच्चों को खासा दिक्कत हो रही है। रोडवेज प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाया जाए। जैसे जैसे यात्री बढ़ते हैं, उसी तरीके से दूसरे डिपो से बसें मंगाई जाती हैं और लगाई जाती हैं। देखिए इस समय जो है हमारी डिपो की लगभग 48 बसें जो है वो चुनाव में गई हुई हैं फोर्स को लेकर के। उसके बाद भी हम व्यवस्था करा रहे हैं और अपने रीजन अपने क्षेत्र की डिपो से बसे लगाते भी रहते हैं। रामपुर है, अमरोहा है, पीतल नगरी है और हमारे डिपो की जो बसें हैं उनको भेजते भी रहते हैं और यात्रियों को यहाँ से जो है यानी कि यातायात सुविधा दिलाते रहते हैं। अभी हाल ही में पीतल नगरी में भी कुछ बसें गई हैं, क्या कितनी बसें गई हैं टोटल मिलाकर का? से भी लगभग 52 बसेस जो है वो चुनाव ड्यूटी में गई हुई हैं फोर्स को लेकर के, इसलिए बसों का अभाव हो जाने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही रही है। यात्रियों को परेशानी का तो सामना करना ही पड़ रहा है, परंतु गंतव्य तक भिजवाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और तत्पर सेवा में यहाँ लगे रहे। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है।